इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा हत्या के बाद पहली बार श्रद्धा के पिता मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए। आज मीडिया से बात करते हुए इसके पहले उन्होंने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उसके बाद अब वो मीडिया के सामने है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम बातें कही है। उन्होंने ये मांग की है कि श्रद्धा के हत्या की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसके साथ ही आफताब को फांसी की सजा होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात जो श्रद्धा के पिता ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है वो ये कि 18 साल के बाद जो बच्चे व्यस्त हो जाते हैं तो बच्चों को धर्मों के बारे में सही जानकारी दी जानी चाहिए और सही और बच्चों को सही में गाइडेंस मिलनी चाहिए। 23 सितंबर को वसई नाला सोपारा पुलिस ने कार्रवाई में मदद नहीं किया, जो मेरी बेटी के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। आफताब ने मेरी बेटी की नृशंस हत्या की और इसके लिए उसे और उसके परिवार वालों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूँ, इस पूरे मामले की सही और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये तमाम बातें और मांग लेकर आज मीडिया के सामने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद श्रद्धा के पिता श्रद्धा हत्याकांड में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए आज मीडिया के सामने पहुंचे और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। सर आपने कहा था अभी अठारह साल के बाद जो व्यक्ति स्वातंत्र दिया जाता है उसके ऊपर विचार विनिमय होना चाहिए, क्योंकि उस वजह से ही मुझे ज्यादा तकलीफ हुई। वैसे ही कुछ मोबाइल ऐप की वजह से जो दिक्कत हो रही है उसके ऊपर भी कुछ बंधन होने चाहिए। Thank you.